हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंद किशोर क्रिएटिविटी। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ब्यूटीफुल सी, बहुत प्यारी सी, ये देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखा दूँ, कलरफुल एंड ये राजस्थानी लुक में हमने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। और ये ड्रेस हमने लोहरी के लिए एंड संक्रांत के लिए बनाई है। संक्रांत फेस्टिवल होता है और लोहरी, तो दोनों में से आप किसी के लिए भी आप ये बना सकते हो। ये वाली ड्रेस बहुत प्यारी ये हमारी ड्रेस लग रही है, ये देखिए बिल्कुल हमने इसको राजस्थानी लुक दिया है, बहुत प्यारी लगती है इन कलर में ड्रेस। तो ये हमने आज बनाई है, ये देखिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी लग रही है ये वाली ड्रेस। और ये हमने दो नंबर और तीन नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है, ये देखिए। और मुश्किल कुछ भी नहीं है, इसको बनाना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके ना देखिए, बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आएगी। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसको आप पूरा देखें। और ये डेकोरेशन देखो, जैसे मैंने किया आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो। ये मेरे पास नगों वाली लैस है, तो ये मैंने लगाई हुई है। और ये मिरर थे हमारे पास, तो वो मैंने लगाए हुए हैं। ये लैस से ही पैच बनाए हुए हैं और ये मोती मैंने इस पर लगाए हुए हैं। दो और तीन नंबर खाना जी का बिल्कुल फिट आएगी। छोटी बड़ी आपको करने हैं तो सिर्फ 5 और 5 चैन का फ़र्क होगा। देखो मैंने उसमें नहीं बताया वीडियो में, यहाँ मैं बता दूँ। अगर आपको इसे छोटा करना है तो जैसे मैंने 1 2 3 4 5 रो बनाई है, तो आप 4 रो बना लें, ठीक है। और 5 चैन जो है कम कर ले। और बड़ी करनी है तो 1 रो यहाँ पे एक्स्ट्रा कर ले और 5 चैन से एक्स्ट्रा से स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये मैंने 40 चैन से जैसे स्टार्ट किया, तो आप 45 से 50 से इस तरह से स्टार्ट करें। एक नंबर बढ़े तो 5 चैन बढ़ा लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने आप बाद में बताया भी है कि इसको कैसे पहनाना है, पहना के भी दिखाया है लड्डू गोपाल को। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 4 कलर ले लिए हैं और यहाँ मैंने 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है, क्योंकि ये वूल जो है थोड़ी थोड़ी मोटी सी है, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं है, ठीक है, मीडियम दो प्लाई की है ये। और इसके लिए मैंने 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए करते हैं ड्रेस को स्टार्ट। सबसे पहले मैं येलो कलर लगाऊँगी यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, चैन बना लेनी है इस तरह से, ठीक है। पहले मैंने एक नॉट लगा ली और यहाँ पर अब मुझे टोटल 40 चैन बनानी है, ठीक है। तो 40 चैन मैं बना लेती हूँ, 2 3 4, चलिए मैं 40 चैन बना लेती हूँ कंप्लीट। तो देखिए यहाँ मैंने 40 चैन बना ली है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ से एक चैन पीछे, एक चैन पीछे, यानी कि यहाँ पे 39 पे मैंने फिंगर में दबा लिया 39 चैन, और एक चैन बची हुई है और 3 चैन और लूँगी यहाँ पे, 1 2 3 हो गई। तो टोटल हमारे पास 4 चैन हो गई जिनको मैं स्किप करूंगी, और ये 39th चैन है जो उसमें मैं क्रोशिया हुक को डालूंगी और बनाऊंगी यहाँ पे। ये देखो एक बार लपेटा, दो बार लपेटा और 39th चैन में इस तरह से क्रोशिया हुक को एंटर किया और ऐसे ले आए। अब देखो हमारे क्रोशिया हुक में 4 है, 1 2 3 4, 4 प्लाई है। तो यहाँ पर देखो एक बार निकाला, दो बार निकाला, 3 बार निकाला, ठीक है। इस तरह से ये होता है ट्रिपल क्रोशिया। तो ये दो बार किया और नेक्स्ट चैन में बनाएंगे अब यहाँ पे इस तरह से, एक बार में 2 निकाले, फिर एक बार में 2 निकाले एंड एक बार और 2 निकाले। तो ये हमारे पास देखो एक 4 की चैन थी और 2 हमने डबल करो ये बना लिए ट्रिपल क्रोशिया, एक बार और बनाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे हमारे, 4 टाइम्स हो जाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो ये देखिए 4 बार हो गए, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, एक ही बार लपेटेंगे और नेक्स्ट चैन में यहाँ पे डालेंगे और हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखो मैंने डबल क्रोशिया बनाया है, नेक्स्ट में बनाएंगे फिर से। तो ये देखो फिर से मैंने डबल क्रोशिया बनाया, तो 2 डबल क्रोशिया बनाए, 3 और ये 4। तो देखो एक तो मैंने 4 की चैन ली थी, फिर उसके बाद 3 मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाया और चैन को मिलाकर ये 4 हो गए, फिर 4 मैंने डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ 4 मैं हाफ डबल बनाऊंगी, ठीक है। ये देखो जैसे 3 है क्रोशिया हुक में, तीनों को एक ही साथ में निकाल देंगे। आगे देखो ये तीनों को एक ही साथ निकाल दिया, 2 बार निकाला, 3 बार और ये 4 बार, ठीक है। तो 4 बार मैंने डबल क्रोशिया निकाल दी, वो सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 4 मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाए, 4 मैंने डबल क्रोशिया बनाए, 4 मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाए। तो ये हमारी 12 चैन लग चुकी है। अब देखो यहाँ पे हमें
जैसे इधर मैंने वर्क किया है ऐसे ही सेम मुझे 12 इधर करना है, ठीक है। तो टोटल हमारे हो गए 40, 12 इधर बनाएंगे तो 12 इधर बनाएंगे, 24 हो जाएंगे, है ना, 24 हो जाएंगे। बीच में बचेंगे 16, तो जो 16 बचेंगे उसमें हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो काउंट करके कर लेंगे, ये देखो 1 2 3। अगर आपको काउंट ना करना हो तो आप यहाँ पे पहले मार्क कर सकते हो या कोई पिन वगैरह लगा सकते हो, काउंट करके इधर से 12 चैन काउंट कर लो, फिर यहाँ पे पिन लगा लो और फिर वहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड ये लास्ट 16। तो देखो 16 मेरे हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ मेरे पास फिर से 12 चैन बची हुई है, तो हमें फिर से ऐसे करना है। अब इधर से स्टार्ट करेंगे 4 हाफ डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 4 ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखो तीन है, तीनों को एक कर दिया, एक बार हो गया, दो बार हो गया एंड ये तीन बार हो गया और ये लास्ट 4 बार। तो 4 बार हाफ डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे अगले 4 में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, एक बार और ये निकाला 2 बार, ठीक है। 2 बार हो गया, नेक्स्ट 3 बार और ये हमारा हो गया 4 बार। अब 4 बार यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। तो 4 बार हाफ डबल क्रोशिया बना दिया, 4 बार डबल क्रोशिया, अब 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद उसके लिए हमें 2 बार यहाँ पे लपेटना होता है और इसको मिलाकर टोटल 3 हो जाते हैं। अब नेक्स्ट में जब एंटर करेंगे तो ये देखो अब हमारे हुक में 4 हो गई है, ठीक है। तो 2 निकाले, फिर 2 निकाले एंड अगेन 2 बार 2 निकाले, 2 बार लपेटा, फिर से 2 निकाले, 2 चैन निकाली एंड 2 निकाले, ठीक है। 2 बार हो चुका है, तीसरी बार कर रहे हैं, 2 निकाले, 2 निकाले एंड 2 निकाले और ये है लास्ट। ये देखो 2 2 एंड 2, ठीक है। अब ये वो है जो हमने घुमाया था ना और नोट लगाई थी, ये वो बचा हुआ है। तो टोटल हो गई हमारी चैन। अब यहाँ एक चैन बना लेते हैं। देखो मैं आपको एक बार और बता दूँ, 4 हमने ये बनाए ट्रिपल क्रोशिया, फिर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, 12 ये हो गए, 16 हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाए, तो 12 और 16 28 हो गए और फिर से 12 हमने ये बनाए, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 40 हो गए। अब हमें फिर से क्या करना है, ये देखो एक चैन बनाई थी मैंने, एक चैन बनाई है ना, तो मैंने एक चैन बनाकर यहीं पे मैंने इसको छोड़ दिया है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे और नेक्स्ट कलर लगाएंगे हम। इधर से जॉइंट करेंगे 1 2 3 4, जो फोर्थ चैन है उसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और ये वाला कलर जॉइंट करेंगे, ठीक है। जॉइंट किया, फिर से हमें 1 2 3 एंड 4, 4 चैन ऐसे ही बनानी है जैसे ये बनाई थी। अब नेक्स्ट चैन में देखो 2 बार लपेटा और नेक्स्ट चैन में ये जो हमने ये बचा है ना हमारे पास वूल, इसको भी दबा लेंगे यहीं पे, ठीक है, ऐसे। तो 4 हो गए, फिर से 2 एक बार, 2 एक बार और 2 एक बार निकाल दिए। अब नेक्स्ट चैन में बनाएंगे 2 एक बार, 2 एक बार और 2 एक बार। अब नेक्स्ट में बनाएंगे 2 एक बार, 2 एक बार, 2 एक बार, ठीक है। तो देखो ये हमारे हो गए 4, 4 हो गए ना, 1 2 3 4। यहाँ पे अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो ये देखिए ये हो गया 1 2
फोर, फोर हो गए एंड फोर बार हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार हो गए। अब यहाँ पे 16 टाइम्स हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखो मैं बता दूँ आपको, ज़्यादा लंबा क्यों करें वीडियो को, तो मैं पहले ही आपको बता दूँ। देखो यहाँ पे 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर से जैसे हमने ये रिपीट किया है सेम ऐसे ही हमें रिपीट करना है, ठीक है। तो सेकंड रो हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम फिर से कलर चेंज करेंगे, जो आपकी इच्छा हो आप वो लगा सकते हो, मेरे पास ये है मैं ये लगाऊंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, इसी तरह से हम कलर चेंज कर करके चार पांच रो यहाँ पे बना लेंगे। तो चलिए मैं वो रो बना लेती हूँ कुछ, फिर आपको बताऊँगी आपको बताऊँगी कि फिर ये हमें आगे क्या करना है। ये देखो लास्ट में एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड रो में ही है लास्ट में हम। तो देखो दो बार लपेटा यहाँ पे और इसमें डालेंगे, तो ये जो हमने चैन लेके छोड़ा था ना इसको भी हम क्रोशिया हुक में इस तरह से डाल लेंगे, ठीक है। इसको डालने के बाद अब हम ऐसे निकाल लेंगे ऐसे, तो ये भी हमारा साथ में निकल जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से नॉट लग जाएगी। तो ये देखो दो निकाले एंड दो निकाले, ठीक है। अब आप अगर इसी कलर को लगाना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे ये कलर लगा दूँ, ये देखो ऐसे हम यहीं से जॉइंट कर लेंगे इसको, और फिर से यहाँ पे वन टू थ्री फोर, तो फोर चैन बनाकर और फिर से जैसे हमने सेकंड रो बनाई है सेम ऐसे ही हम थर्ड रो बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव रो मैंने बना ली है। और अब देखो जो हमारे पास ये बीच के 16 है ना, तो हमें बीच के यहाँ पे देखो बीच कैसे करना है, एक तो हमें सेंटर देखना है सबसे पहले, इस तरह से करके आप यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ सेंटर में से काउंट कर सकते हो। ये देखो वन टू थ्री फोर, फोर एंड फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये हो गया एट। और यहाँ से या तो हम ऐसे यहाँ से करना स्टार्ट करें और एट हम यहाँ पे कर लेंगे, और आप अगर यहाँ से काउंट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, बट ये सबसे सही है ऐसे हाफ में कीजिए, हाफ हाफ इसको कर लो। और यहाँ से आप यहाँ फोर से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर इधर है, फाइव सिक्स सेवन एट, तो बिल्कुल सेंटर पे आपका आएगा। तो अब मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ देखो मैंने ऐसे ही कर रखा है, छोड़ रखा है यहीं पे ग्रीन कलर, और यहाँ मैं ये देखो मैंने वाइट के ये रेड कलर यहाँ से हटा दिया है। तो मैं यहाँ से लेकर देखो यहाँ पे क्रोशिया हुक को एंटर करूँगी और एट यहाँ पे बना लूँगी मैं। ये देखो पहले चैन बनाएंगे दो, और अब यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, हो गया। नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, टोटल आठ बनाने हैं, पाँच छः सात और ये लास्ट आठ। ये हो गए हमारे आठ डबल क्रोशिया, एक दो सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। फिर से इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे लेंगे एक यहीं पे, तो ये दो हो गए, तीन चार पाँच छः सात और ये लास्ट आठ, तो ये हमारे हो गए आठ, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और यहाँ पे फिर हमें वन टू थ्री फोर, फोर चैन स्किप करके इसमें यहाँ पे हमें इसको ऐसे करना है, ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया कर लिया हमने। अब यहीं से अब हम स्टार्ट कर देंगे अपना वर्क, ठीक है ऐसे। तो चलिए अब यहां से करते हैं स्टार्ट, दो तीन
और ये चार, अब देखो चार ये हो गए और आठ हमारे आगे बचे हुए हैं। सॉरी, डबल क्रोशिया करना है, एक, सॉरी ऐसे, एक दो तीन चार, ठीक है। अब चार हम आगे कर लेंगे, एक दो तीन और ये लास्ट चार, ठीक है। ये देखो हो गया, इस तरह से यहाँ पे गैप किया और ये फिर से हो गया। अब यहाँ हमें फिर से हम ये कट करना पड़ेगा रेड कलर, ठीक है, और इधर फिर से हमें जॉइंट करना पड़ेगा। जैसे इधर किया है सेम ऐसे ही हमें इधर करना है। तो देखो ये मैंने नॉट लगा लिया यहीं पे और इस तरह से इसको डालेंगे यहाँ, देखो एंड में जो हमने ये बनाए थे ना यहाँ पे हमें डालना है, और यहाँ से ऐसे चैन बनाएंगे, तीन तीन चैन बनाई क्योंकि तीन चैन यहाँ पे बनाई थी। अब देखो 1 2 3 4, फोर स्किप करेंगे और यहाँ हमें फिफ्थ में डालना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, एक दो तीन और ये चार, हो गए हाफ डबल क्रोशिया चार बार, फिर चार बार डबल क्रोशिया और फिर चार बार ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से करके हमें कंप्लीट करना है, एक दो तीन चार, फिर ट्रिपल क्रोशिया, एक दो तीन, एक बार दो बार तीन बार, तो तीन हो गए ट्रिपल क्रोशिया भी। एंड ये लास्ट है, ऐसे किया और ये जो हमने छोड़ रखा है चैन यहाँ पे ऐसे लिया इसको भी, और अब एक बार दो बार तीन बार, तो ये भी हो गए हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आर्म होल बनाए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें फिर से दूसरा कलर लगा के और अपने वर्क को स्टार्ट करना है। जैसे मैंने ये रो की है ऐसे ही अब देखो इस तरह से हमारी आएगी चोली, ऐसे इस तरह से ये ड्रेस आएगी। अब आपको यहाँ पे इसका घेर बनाना है, ठीक है, जितनी भी रो यहाँ पे बनेगी उतनी हमें बनानी है। तो यहाँ मैं नेक्स्ट कलर स्टार्ट करती हूँ, तो ये मैं येलो कलर यहाँ पे लगा लूंगी ऐसे, एक दो तीन चार, चार चैन स्टार्ट करेंगे चार चैन से, और यहाँ पे फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। अब सेम जैसे ये चैन बनी हुई है ना हमें ऐसे ही बनाते हुए जाना है, और यहाँ पे जैसे हम कर रहे थे हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाली रो बना दी है, और ये देखो जो मैंने यहाँ पे थ्री की चैन बनाई थी इनमें, और इनमें भी मैंने यहाँ पे बना दिया है, सिंगल क्रोशिया बनाए हैं ये 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 एंड ये लास्ट फोर, ठीक है, फोर फोर मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना दिए, और जो एट ये थे ये वाले भी बना दिए। और ये वाली रो यहाँ से यहाँ तक सेम की है और ये भी यहाँ से यहाँ तक सेम किया है। अब देखो अब हमें क्या करना है, देखो मैंने जैसे ऐसे आपको दिखाया था इस तरह से ये हमारे लड्डू गोपाल की चोली बनेगी, ठीक है, और ये पीछे का घेर हमारा बन चुका है। अब हमें आगे का घेर बनाना है, ठीक है, तो आगे का घेर बनाना है ना, उसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से पूरी रो नहीं बनेगी, अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो देखते हैं क्या होगा। तो ये देखिए येलो के बाद मैं ये वाला कलर यहाँ पे लगाऊंगी, आपको जिस तरह अच्छा लगे फ्रेंड्स आप उस तरह से कलर करें मैचिंग। ये देखो 1 2 3 4, फोर्थ चैन में यहाँ पे मैं जॉइंट करूंगी, 1 2 3 4, फोर्थ चैन बनाई, फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे
ट्रिपल क्रोशिया हो गया, फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें चार बार टोटल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखो चार बार मैंने बना दिया। अब नेक्स्ट में हमें बनाना है डबल क्रोशिया, एक दो तीन और ये चार, चार हो गए। अब चार में हमें क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया, एक दो तीन और ये लास्ट चार, चार हो गए। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाली चैन में यहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। स्लिप स्टिच करके इस तरह से नोट लगाकर और बस यहीं से हमें इसको कट कर देना है। ये देखो हो गया। अब दोबारा से जब नेक्स्ट में आएंगे तो हम नेक्स्ट चैन में यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको कट कर देंगे, ठीक है। देखो करके दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं फिर से ये लगाऊंगी येलो कलर। तो येलो कलर हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा, इधर से नॉट लगा देती हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ से नॉट लगा के मैंने इसको कट कर दिया और इसको हम इधर से जॉइंट करेंगे। तीन चार, चार चैन ले ली। अब ये चार तो हम सेम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गया। अब नेक्स्ट में चार बार हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो ये चार बार ये भी हो गए डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे बनाएंगे सिंगल, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है हो गया। अब यहाँ पे एक बार वो सिंगल क्रोशिया बना देंगे जहाँ पे हमने ये नोट लगाया था ना, यहाँ पे जहाँ स्लिप स्टिच किया था यहाँ पे हम बना देंगे सिंगल क्रोशिया और इसको नेक्स्ट चैन में हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ये देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे पहले ब्लू वाली की, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चैन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और बस यहाँ पे अब हम इसको कट कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करके फिर नेक्स्ट चैन में हम इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से करते हुए हमें पूरा राउंड कर लेना है। तो चलिए कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इतना मैंने इसको बना लिया है और अब ये देखो यहाँ से जब यहाँ तक बना लिया, यहाँ से हमें इसमें सिलाई करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक हम इसको सील देंगे। सुई से सीलना चाहो तो सुई से सील सकते हो और क्रोशे से सीलना चाहो तो क्रोशे से सील सकते हो। और देखो यहाँ पे मैंने दोनों साइड डोरी लगा दी है, ठीक है। ये जो हाफ क्रोशिया खत्म होने के बाद सिंगल क्रोशिया पे आए थे ना हम, उस लाइन पे मैंने डोरी लगा दी है दोनों साइड, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको स्टिच कर देती हूँ और बस इस तरह से ये हमारी ड्रेस जो है रेडी हो गई है। और इस पे डेकोरेट के लिए, डेकोरेशन के लिए आप जो मर्जी चाहो वो लगा सकते हो। जैसे ये इस तरह से लाइनें लगी हुई है तो आप इस तरह से कोई लैस वगैरह लगा सकते हो, मोती लगा सकते हो, तो जो भी आपके पास हो वो लगा सकते हो। तो मैं देखती हूँ क्या लगाऊंगी, तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ उसके बाद। और देखिए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं कि पहनाएंगे कैसे हम ये वाली ड्रेस, ठीक है ना। तो ये देखो ये मेरे पास दो नंबर के ठाकुर जी है और ये देखो ये इनके आर्म होल है। तो देखो यहाँ से एक इसमें डालेंगे और एक यहाँ हाथ डालेंगे, ठीक है। और यहाँ इनको ऐसे इस तरह से करके और ये डोरी जो हमने बनाई है ये ऐसे लाएंगे घुमाकर ऐसे और इधर से भी ऐसे, ठीक है।
तो ऐसे घुमाकर लाकर इनको हम बांध देंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं इस ड्रेस में। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनेगी और डेकोरेशन आपने थंबनेल पे देख ही ली होगी। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस जो है रेडी हुई है, ये देखिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना। धन्यवाद।